खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थाना प्रभारी ने भटके हुए बच्चों को परिजनों से मिलाया। गढ़वा डंडई थाने में शनिवार को डंडई थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने एक भटके हुए बच्चों को उसके परिजनों से मिलाया। जानकारी के अनुसार 8 साल का बच्चा भटके हुए डंडई प्रखंड के सोनेहारा गांव पहुंच गया। सोनेहारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय पासवान को पता चला तो वो उस बच्चे को अपने घर ले आए, खाना पीना खिलाए, उसके बाद उससे नाम और पता पूछे तो वह नहीं बता पाया। तब मुखिया प्रतिनिधि ने उस बच्चे को डंडई थाना में लाकर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद डंडई थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल के प्रयास से उस बच्चे को पता लगाया गया। उसके बाद थाना बुलाकर बच्चे को सौंप दिया गया। पिता बुधम सिंह, भाई धनपत सिंह और चाचा सुखराम आए और बच्चे को अपने साथ ले गए। सभी रमना थाना क्षेत्र के टंडवा गाँव के रहने वाले थे। भटके हुए बच्चों को पाकर परिजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी को दिल से आभार व्यक्त किया। परिजनों ने बताया कि दो दिन पूर्व खेलने के दौरान बच्चा बिछड़ गया था। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कच्छन नर्सरी से 10वीं तक बच्चों को एडमिशन कराएं और 5 मार्च तक निशुल्क रहने, खाने तथा शिक्षा के साथ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल तथा CHS की तैयारी।